हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जो सेकंड सेमेस्टर में अभी आता उसके लास्ट चैप्टर अभी कार्बोक्सिलिक एसिड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन। तो पहला हमारा जो रिएक्शन है वो सॉल्ट फॉर्मेशन है, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्टरिफिकेशन यूजिंग डाइएजोमीथेन, रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन विथ डाई बोरॉन एंड अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, तो वन बाय वन सारे रिएक्शन हम कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा रिएक्शन है वो है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या तो बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट ले सकते हो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड इन लोगों के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है जो एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या तो बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। ठीक है, अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन देख रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl5SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जब PCl5 या तो SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है, तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो इनके साथ जो रिएक्शन करता है तो एसिटाइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है टॉपिक की फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl5 या तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो एसाइल हैलाइड बनाता है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड इन लोगों के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटाइल क्लोराइड बनाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये जो OH है वो रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे Cl लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एसिटिक एसिड में से एसिटाइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, PCl5 के साथ जब रिएक्शन करता है तब, और सेम टू वैसा ही होता है जब SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन शो करता है। थर्ड हमारा जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन बनाता है तो सॉल्ट बनाता है, और उस सॉल्ट को जब हीट किया जाए तो वो अमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो हमने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो पहले वो सॉल्ट बनाता है, वो सॉल्ट जाके हीट करते हैं तो अमाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनियम एसिटेट एज ए सॉल्ट फॉर्म करता है, उसके बाद जब उसको हीट किया जाता है तो वो एसिटामाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटिक एसिड है, ये अमोनिया है, जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे NH3 अटैच हो जाता है, तो यहाँ ONH4+ हो जाएगा, ये सॉल्ट बन गया। ये सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H2 रिमूव होता है, सॉरी उसको हीट करते हैं तो H2 रिमूव होता है। ठीक है, तो कहाँ से H2 रिमूव होगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा तो सिर्फ NH2 बचेगा, तो इस तरीके से एसिटिक एसिड में से एसिटामाइड बनता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिहाइड्रेशन करता है फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के साथ तब वो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, सब जगह हमने एसिटिक एसिड ही एग्जांपल लिया मोस्टली। तो एसिटिक एसिड जब डिहाइड्रेशन करता है P2O5 की प्रेजेंस में, मतलब फॉस्फोरस पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिटिक एसिड, ठीक है, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जब क्या करते हैं P2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और यहाँ पे H2 रिमूव होता है। तो क्या होता है, H2 कहाँ से रिमूव होता है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, एक एच यहाँ से निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे से एक एच, यहाँ से OH और यहाँ से H कंबाइन होकर निकल जाता है और ये पूरा साथ में अटैच हो जाता है, तब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जांपल में हम देखेंगे एसिटिक एसिड जब मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया है और अल्कोहल में हमने मिथेनॉल लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने HCl लिया है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जब मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है HCl की प्रेजेंस में तो मिथाइल एसिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटिक एसिड है, मिथेनॉल है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये OH जो है वो H को ले जाते हैं और H2 बनाते हैं और ये CA3O जो है वो यहाँ पे, सॉरी ये CA3 जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है और इस तरीके से एसिटिक एसिड में से मिथाइल एसिटेट का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट है हमारा एस्टरीफिकेशन यूजिंग डायएजो मीथेन, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड डायएजो मीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो मिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिटिक एसिड को जब हम डायएजो मीथेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाईमिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप ये देख लो कि एसिटिक एसिड डाईमिथाइल एजोन है, सॉरी डायएजो मीथेन है, तो जब रिएक्शन करते हैं तो आप देख सकते हो कि डाईमिथाइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लिया है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हो, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। तो इस तरीके से एसिटिक एसिड में से इथेनॉल बनता है। तो ये सारा जो रिएक्शन है आप खुद पढ़ोगे तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। और सारे रिएक्शन तो आपको बनाने ही है तो ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा रिएक्शन विथ डाई बोरोन, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जब डाईबोरॉन के साथ रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ THF, HCl, H2O तो वो एरोमेटिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले ले बेंजोइक एसिड, तो वो डाईबोरॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, वो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ठीक है। COOH जो ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डाईबोरेन की प्रेजेंस में एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अल्कोहल का फॉर्मेशन, एरोमेटिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारा लास्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा अल्फा हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजन जब रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे तो वो हेलोजिनेटेड एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोपियोनिक एसिड है, वही हमारा हेलोजन है। तो ये जब रिएक्ट करता है तो कहाँ पे रिएक्ट करता है, अल्फा कार्बन पे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ज्वाइंट हो जाता है और क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे जब हाइलोजन अटैक करता है, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करता है तो हैलोजिनेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी की जो आगे के चैप्टर की नोट्स आपको चाहिए अगर तो, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारे वीडियो के।